संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सांख्य दर्शन का हम अध्ययन कर रहे हैं और लगभग सभी दर्शनों को हम क्रम से अध्ययन कर रहे हैं, ये मैं बता चुका हूँ। योग दर्शन को बहुत विस्तृत में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। सांख्य दर्शन एक जो जो जीवन में समस्याएं हैं, जो जो व्याख्याएं कर सकता है, वो सारी व्याख्याएं इन्होंने की हैं। मैं सभी जानते हैं कि सांख्य और योग एक दूसरे के पूरक हैं। सांख्य ने तत्वों को बताया है, ठीक है। योग कैवल्य की प्राप्ति के साधन वगैरह बताएगा। कैवल्य शब्द केवली शब्द से बना है और केवली जो है वो अहम ब्रह्मास्मि की जो भावना आ जाएगी उससे संबंधित है। वेदांत हम जान चुके हैं, संपूर्ण जान गए हैं। वेदांत में इन दोनों के पूरक व्यवस्था है। यहां पर सांख्य जो बता रहा है वो व्यक्तिगत है, समझना इस बात को, व्यक्ति से संबंधित है। प्रकृति से संबंधित तो है ही, लेकिन इन्होंने एक संपूर्ण प्रकृति को एक व्यक्ति में ही समेट कर रख दिया है। वेदांत ने व्यक्ति के साथ साथ जगत के बारे में भी चर्चा की है। सांख्य केवल व्यक्ति की चर्चा करता है, उनके अवयवों की सारी व्यवस्था देता है। सांख्य ने माना है कि जो व्यक्ति है, यदि इसको समझ लिया तो संपूर्ण ब्रह्मांड आपको समझ में आ जाएगा, ब्रह्म समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण देते हैं, ये सारे उदाहरण मेरे अपने होते हैं। एक मित्र हैं, वो पूछ रहे थे सांख्य दर्शन को आपने किस पुस्तक से अध्ययन किया है। मैंने ये पीडीएफ प्रयोग की है सांख्य दर्शन की, उससे मैं अध्ययन कर रहा हूं। और एक छोटी सी पुस्तक है, उसमें इस शब्दों का केवल अर्थ है, बाकी जो व्याख्याएं हैं वो मैंने किसी पुस्तक से नहीं ली हैं। उसका कोई पुस्तक मुझे उपलब्ध नहीं हुई, मैं आपसे कह भी चुका हूं। योग दर्शन की भी व्याख्याएं वो मेरी अपनी स्वयं से प्रभावित है कहीं ना कहीं। यहां स्वयं शब्द में इसीलिए लगा पा रहा हूं क्योंकि दो भाव होते हैं। एक भाव होता है कि मैंने सारी व्यवस्था दी कहीं से भी कंठस्थ करके, याद करके, तो वो संभव इतनी नहीं हो सकती। यदि मैंने किसी चीज को अध्ययन किया, दो चीजें होती हैं, एक प्रयोगात्मक होती है, प्रयोगात्मक या प्रयोग, पहले सैद्धांतिक चीजें होती हैं, यानी कि किसी चीज को पढ़ना, समझना, उसके बाद फिर प्रयोग करना। सिद्धांत आप कितने भी याद कर लीजिए, मान लीजिए आपको साइकिल चलाना सीखना है और साइकिल की व्याख्या करनी है, तो साइकिल के जो सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको यदि मैं बताना चाहूँगा किसी व्यक्ति को जो साइकिल चलाना नहीं जानता है, तैराकी सीखा हुआ व्यक्ति यदि किसी उस व्यक्ति को तैराकी के बारे में समझाना चाहेगा जो तैराकी नहीं जानता है, तो दोनों माध्यमों के होने के बावजूद वह व्यक्ति प्रयोग की बातें ही ज़्यादा बताएगा, जो उसके साथ घटना घटित हुई उसको बताएगा। हजार लोग साइकिल सीखे, हजार लोग तैराकी सीखे, हजार लोगों से यदि आप बात करोगे तो हजार बात तो अलग अलग होंगी उन सबकी, क्योंकि तैराकी को थियोरेटिकल सैद्धांतिक रूप से कभी कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता। साइकिल को कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि आपको ऐसे सीट पर बैठना है, ऐसे हैंडल पकड़ना है, फिर पैर चलाना है। कितना भी थ्योरी पढ़ा लीजिए, आपको हर व्यक्ति
जितने व्यक्ति उसे पूछेंगे आप, वो अलग ही तरीके से बताएगा, लेकिन आप जब सीखेंगे तो उनकी थ्योरी आपको काम नहीं आएगी। थोड़ा सा ध्यान रहेगा, लेस मात्र ध्यान रहेगा, वो उस तरह से काम करेगा जैसे आप बाइक चला रहे हैं या फोर व्हीलर चला रहे हैं, तो आपका जो मिरर है, दर्पण है, वो क्या काम करता है, वो पीछे की डायरेक्शन दिखाता, दिशा दिखाता कि कहीं कोई पीछे से तो नहीं आ रहा, लेकिन हमेशा आप उसमें नहीं देख सकते, और उसमें देखेंगे तो आप एक्सीडेंट कर बैठेंगे। वो केवल दिखाता है कि मैं सेफ हूं, मैं चल रहा हूं। तो जो भी प्रयोग होते हैं किन्हीं व्यक्तियों के, सिद्धांतिक बातें होती हैं जो आपको सिखाने में कार्य कर रही हैं, वो बातें सिर्फ आपको मिरर की भांति कार्य करती हैं, लेकिन सीखना आपको स्वयं पड़ता है। तैराकी सीखना है तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा, हाथ पर चलाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। वहां आपको विचार भी नहीं आएंगे कि कैसे बताया मुझे, हाथ ऐसे चलाने के वैसे चलाने, आपको जो एक बता दिया उसी पॉइंट को बार 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 रिपीट करना है। यही तो अभ्यास है, इसी का नाम तो अभ्यास है। आप गलत करेंगे तब भी वो, यदि अभ्यास में आ जाएगा तो वो एक समय ऐसा आएगा कि सही हो जाएगा। वाल्मीकि जी जब अभ्यास कर रहे तो ऐसा माना जाता है, वैसे ये गलत है बताना, लेकिन फिर भी उसको समाज की दृष्टि से बता देता हूं, कि उन्होंने मरा मरा शब्द को रटा था, और मरा 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 रटते रटते वो एक समय ऐसा आया कि अभ्यास करते 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 राम शब्द हो गया, मरा राम, मरा की जगह राम 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 मरा, तो मरा भी हो जाता है, राम भी हो जाता है। लेकिन ये व्याख्या गलत है, ऐसे नहीं है। उल्टा नाम जपा हरि नाम, अर्थात वो गलत कामों से उल्टे तब हरि का नाम जपा, ऐसा नहीं है कि उनको राम का शब्द नहीं आता हो। जो आदमी भूल सकता है वो राम शब्द भी भूल सकता है, ये व्याख्या गलत है। लेकिन उस गलती को हम इस तरह से भी सीख सकते हैं कि अभ्यास के द्वारा आप गलत चीजों को सही कर बैठते हैं। अगर योग करना शुरू कर देंगे तो आप धीमे 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 पाएंगे कि शरीर आपको उस क्रिया में ले जाएगा कि कहीं ना कहीं हम उस चीज से जुड़े हुए हैं, आत्मा से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जो सही करने की प्रक्रिया रखती है। तो यहां पर बातें जो होती हैं किन्हीं भी विद्वानों की, वो एक जैसी थ्योरेटिकल नहीं हो सकती, प्रैक्टिकल सबका अलग 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 होता है, इसलिए बातें भी सबकी अलग अलग होती हैं। यही हमारे दर्शनों के साथ होता है, यही हमारे उपनिषदों के साथ हुआ है, यही हमारे वेदों में ऋषियों के साथ हुआ है। थ्योरी जो दी है, जो सिद्धांत जो दिए हैं, वो सबके अलग अलग हो सकते हैं सारे उपनिषदों में, क्योंकि उन्होंने अलग अलग घटनाओं से चीजें प्राप्त की, लेकिन वो गलत नहीं है। कुछ लोग जब उपनिषदों को सारे का अध्ययन करते हैं तो उनको सारी थ्योरी अलग अलग नजर आती है, और जब अलग आती है तो उनका दिमाग काम नहीं करता कि इसमें ऐसे दे रखा है, इसमें ऐसे दे रखा है, उसमें वैसे दे रखा है। अरे भाई, उनके सारे के अनुभव सबके अलग अलग हैं, अनुभूतियां सबकी अलग अलग हैं, एक जैसे सिद्धांत वो ही कैसे सकते हैं। लेकिन फिर भी वो आपको उस प्रयोग को जो उन्होंने जीवन में अपनाया वो कभी नहीं बता सकते, इसलिए सभी उपनिषद वहां जाकर के मौन हो जाते हैं, दर्शन भी मौन हो जाते हैं, केवल रास्ता बताएंगे और उपाय बताएंगे। रास्ता की व्याख्या करेंगे कि जंगल पड़ेंगे, झाड़ियां पड़ेंगे, कटीले पड़ेंगे, बर्फ वाले पर्वत पड़ेंगे, ये पड़ेंगे, रास्ता आपको पगडंडी पर चलना है, ऐसे करना है, वहां जाना, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि कैसे क्या करना है, उपाय थोड़ा सा बता देंगे, फिर वहां जो प्राप्त होगा उसके बारे में सब मौन हो जाते हैं। ये आपको समझना होगा, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक दर्शन पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। मैंने ये चैनल प्रैक्टिकल किसी तैयारी के लिए नहीं बनाया, मैं बहुत बार बताया है, ये चैनल एक माध्यम है एक जागृति पैदा करने का कि आगे दर्शन का अध्ययन करते क्यों हैं, उपनिषदों को हम पढ़ते क्यों हैं, वेदों को इतना महान क्यों माना गया है, महान वेद नहीं है। यदि तुम वेद के बताए हुए सिद्धांत को थोड़ा सा पकड़ लें, जैसे साइकिल चलाने वाले ने बताया कि तुम जब साइकिल पर चलो तो ध्यान अपना एकाग्र रखना और हैंडल को इधर उधर मत जाने देना, पैडल को धीरे धीरे चलाना, ये तीन बातें बस आपको याद रखनी है, चौथी बात आपको कोई काम नहीं आएगी। सहारा देने के लिए हो सकता है वो, लेकिन मेरे प्रैक्टिकल में है, मेरी दो भांजियां थी, मैं हमेशा जीवन को दर्शन की, दर्शन का मतलब ही है देख करके ज्ञान प्राप्त करना, तो मैंने देखा उन दोनों भांजियों में 2 साल 1-1.5 साल का अंतर है, दोनों को एक साथ साइकिल चलाने के लिए दी गई, कभी किसी व्यक्ति ने उनकी साइकिल को नहीं पकड़ा, बता दिया कि आप बस पैडल को इस पर चलाते रहो साधारण रूप से, पैदल पैदल चलाना सीख जाओगे, जब सब आएगा तो एक पैर पैदल पैदल पर रखना, तो उससे फिर बैलेंस बनाना, फिर उससे प्रयास करना, ऐसे करके फिर जब वो प्रयास हो गया तो दूर तक उसके साथ चलना,
फिर अपना दूसरा पैर उठा के दूसरे पैडल पर रखने का प्रयास करना, फिर इसमें अभ्यास करते रहना काफी दिन तक, और एक समय ऐसा आएगा कि तुम सीख जाओगे। और आप यकीन मानिए उनको किसी भी सहारे की कोई आवश्यकता नहीं। और इत्तेफाक तो ये था, एक दिन ही दोनों बहनें जो मेरी भांजियां थी दोनों एक साथ ही चलना सीखी और एक दिन ही वो साइकिल को चलाना सीख गई। वहां गुरु की आवश्यकता ना पड़ी। गुरु की आवश्यकता कितनी थी कि उनको बताना है कि आपको सिर्फ इसका बैलेंस बनाना और अभ्यास करना। तो हमारे सारे दर्शन ये बताते हैं, वेदांत में मैंने बहुत विस्तृत में समझाया है, आप अभ्यास वाले जब श्रेणी में जाएंगे तो आपको वहां मिलेगा। लेकिन हम नहीं करते, हम सिर्फ कंठस्थ करते हैं टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, और कंठस्थ करके नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलने के बाद हम संसार में खो जाते हैं, और खोने के बाद दुख उठाते हैं। और दर्शन पढ़ने के बाद भी अगर दुख उठाते हो तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसलिए हमारे उपनिषद सारी चीजें अलग बोलते हैं, लेकिन उपनिषद जो उनको अनुभूति हुई, मैंने बताया था एक बार योग में पढ़ाते समय कि जो दर्द का एहसास होता है वो कोई नहीं बता सकता, वो आपका अपना अनुभव है। तो अनुभव कभी कि कोई व्यक्ति किसी ऋषि मुनि ने कभी नहीं दे पाए, वो उनका रास्ता देते कि यहां ऐसे ऐसे जाइए, ऐसे यहां प्राप्त होगा। लेकिन क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा, ये कभी कोई नहीं बता पाया। कोई ब्रह्म की चर्चा करता है, कोई आत्मा की चर्चा करता है, कोई केवल की चर्चा करता है, कोई मोक्ष की चर्चा करता है, कोई निर्वाण की चर्चा करता है, कोई किसी चीज की चर्चा, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं उसमें। और दुनिया में इतनी मूर्खतापूर्ण बातें हो रही हैं कि ये लोग आपस में इस बात को कभी समझेंगे ही नहीं। आधा ज्ञान अर्ध विद्या भयंकरी, नीम हकीम खतरे में जान, ये कहावत गलत नहीं है। उन लोगों को आधा ज्ञान है। यदि बुद्ध कहते हैं कि आत्मा नहीं है तो वो सही कहते हैं, वो भगवान को इनकार करते हैं, क्योंकि वो आत्मा जिसको तुम मानते हो वो नहीं है, वो उनकी परिभाषा में अलग है, उनके अनुभव में वो चीज अलग है। वेद को नहीं मानते वो ठीक है, क्यों माने किसी की बात, किसी व्यक्ति ने किसी ऋषि ने कुछ बातें जानी, वो दृष्टा थे, उन्होंने उन चीज को लिखा। अब लिखने से तुम्हारा तो कुछ भला होने वाला नहीं है, उसको रट लो 50 बार, रट लो सिद्धांत को, रट लो। लेकिन आप जब प्रैक्टिकल करेंगे, जब प्रयोग करेंगे, तो वो सिद्धांत कितना भी प्रयोग करिए वो वहां प्रयोग नहीं होगा। लेकिन आप जब प्रयोग में जाएंगे तो वो समय बहुत बदल चुका होगा, आपका अनुभव आपके साथ काम करेगा। इसलिए उन्होंने वेदों को भी मना किया होगा। लेकिन हम बुद्ध को गाली देते हैं, हम आविजन को गालियां देते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि ये व्यक्ति जब सारी चीजों को मना करने के बावजूद भी उस मार्ग में पहुंच चुका है, तो जाहिर सी बात है कोई सिद्धांत कोई कार्य तो अवश्य है जिसके द्वारा लोग वहां तक पहुंचते हैं। मैं आज इसी को लेकर के बैठा हूं, आज मैं तत्व सिद्धांत को बताने का बहुत सक प्रयास करूंगा, ये भी लंबा वीडियो हो सकता है योग की तरह। जिनको नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है, जिनको समय का लगे कि ये खराब हो रहा है तो वो स्किप कर सकते हैं वीडियो, जा सकते हैं। जिनको लगे कि कुछ मिलने वाला है वो रह सकते हैं। तो इसलिए हमारी ये बातें अलग अलग रहती हैं, दर्शन में, उपनिषदों में, सभी में, लेकिन चीजें एक ही हैं। मैं यहां समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये तीन दर्शन ऐसे हैं जो आपको जीवन की पूरी थ्योरी समझाने के बाद उस तत्व को प्राप्त करने का एक रास्ता देते हैं, एक सूत्र दे देते हैं। वेदांत में भी सारी चीजें बताई हैं, इनकी व्याख्याएं करी हैं जगत की और व्यक्ति की, कि बने कैसे प्रमाण से। इन्होंने भी ऐसी बोला है, प्रमाण से शुरू करते हैं, मैं तत्व से शुरू करते हैं, ये भी ब्रह्म से शुरू करते हैं, विपर फेवर लगा करके पता नहीं कितनी व्याख्या दी है उन्होंने। उसके बाद में बताया कि सब कुछ ब्रह्म ही है, वो मनुष्य के रूप में भी है, वही ईश्वर के रूप में, यानी कि ईश्वर में भी ब्रह्म ही है और मनुष्य में भी ब्रह्म ही है। मतलब जड़ से लेकर के चेतन तक जो कुछ हमें दिखाई पड़ता है वो सब ब्रह्म में है, कोई विवर्त में दिखाई पड़ता है, मतलब रूप बदला हुआ हमें दिखाई पड़ता है, वो हमारी अविद्या के कारण, माया के कारण, लेकिन सारा सब कुछ ब्रह्म ही है। उसको प्राप्त करने के फिर नियम, नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि इन्होंने बताई है, वही नियम योग दर्शन में भी आगे चल के चर्चा करेंगे। अभ्यास और वैराग्य दो शब्द सब जगह प्रयोग किया गया है, यहां पर भी प्रयोग है और यहां पर भी। अभ्यास, मैंने साइकिल का उदाहरण दिया था अपने दो बच्चों का, जीजी के बच्चे थे वो। अभ्यास और वैराग्य, यहां पर सांसारिक चीजों को देखना है, सांसारिक चीज में जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको अभ्यास के साथ साथ राग भी करना पड़ेगा, लगाव भी लगाना पड़ेगा। यहां जो वैराग्य शब्द जो प्रयोग किया गया है
वो आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रयोग किया गया। आध्यात्मिक जीवन में जब आप ऊपर जाने की चेष्टा करेंगे, स्वयं को जानने के लिए प्रयास करेंगे, केवल भाव, केवली भाव को जब जानने का प्रयास करेंगे, केवल को प्राप्त करने का जब प्रयास करेंगे, तो आपको वैराग्य की आवश्यकता होगी। केवल बाहरी तत्वों से, सांसारिक जीवन से, इंद्रियों से, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा राम छुपा हुआ है। ये शब्द तो वैराग्य लगा दिया, योग दर्शन में आएगा तो उसको बहुत विस्तार में समझाऊंगा। अभी मैं एक रूपरेखा बता रहा हूं कि आखिर अब हम सांख्य दर्शन के अवसान पर हैं। सांख्य दर्शन का अब तक निचोड़ क्या निकला ये मैं बता रहा हूं, वेदांत का निचोड़ भी निकाल चुके हैं हम। तो अभ्यास और वैराग्य से संसार के जीवन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अभ्यास दोनों में काम करता है कॉमन रूप से। वैराग्य शब्द मेरी नजर में, देखो मेरा अपना नजरिया, वैराग्य शब्द गलत है। यहां शब्द प्रयोग करना चाहिए था सांसारिक सुखों से राग कर, वैराग्य करके, और जो जीवन को उत्साही बनाए, जो आध्यात्मिक की तरफ आपको बढ़ाए, उसकी तरफ राग पैदा करना। धारणा जो शब्द बना है, धारणा ध्यान समाधि, धारणा क्या है? धारणा विजुअलाइजेशन तो ही नहीं, हम किसी चीज का चित्र रखते हैं मस्तिष्क में, जिसके प्रति हम जैसा बनना चाहते हैं। मान लो मुझे कृष्ण की तरह बनना है, तो मुझे कृष्ण की धारणा बनानी पड़ेगी, उनकी मूर्ति अपने दिमाग में, मस्तिष्क में बिठानी पड़ेगी, उसके प्रति मुझे राग बढ़ाना पड़ेगा अपना, तो उसको उनके रंग में रंगना पड़ेगा। रंज धातु से तो बना है, तो हो सकता है उनकी दृष्टि में, मैं अपनी व्याख्या करता हूं थोड़ी सी हटके हैं, हो सकता है कुछ लोगों को गलत लगती हो। तो वहां मुझे कृष्ण की तरह बनना है, बुद्ध की तरह बनना है, जीसस की तरह बनना है, मोहम्मद की तरह बनना है, मुझे महावीर की तरह बनना है, या किसी और अन्य व्यक्ति की तरह बनना है, दयानंद की तरह बनना है, मैं विवेकानंद की तरह बनना है, तो मैं उनकी चित्र को अपने मस्तिष्क में रखूंगा। आर्य समाज इनका विरोध करते हैं, लेकिन खुद वो चित्र लटकाएंगे। चित्र और मूर्ति में कोई अंतर नहीं है, ये सिर्फ मन को बहकाने वाली व्यवस्था है, केवल अहंकार को दर्शाने वाली चीजें हैं, लड़ाइयां करवाने वाले का माध्यम है। धारणा बनाने के लिए आपको चित्र की आवश्यकता हो सकती है। चित्र पहले नहीं होते थे, केवल एक स्केच किया जाता था, ड्राइंग की जाती थी, तो उस समय मूर्ति की स्थापना की गई। भगवान बुद्ध से मैंने बताया था, बुद्ध से बुत और बुद्ध से फिर मूर्तियों की स्थापना हुई है, बुद्ध की तरह इस तरह से प्रयोग किया गया है। तो वहां से मूर्ति को इसलिए रखा गया मंदिर में, जब भी हम मंदिर में जाएं, शांति के साथ जाएं, तो हमारे मस्तिष्क में एक धारणा बन जाए कि ऐसी ही व्यवस्था रही होगी। ऊर्जा का अपना जो लेवल है वो हम उस स्तर तक ले जाएं जहां हम जाना चाहते हैं, वो हमारे मस्तिष्क में धारणा होनी चाहिए। धारणा अगर मस्तिष्क में घनी होती चली जाती है, ध्यान और समाधि जिसकी बात करते हैं दुनिया में, मेडिटेशन, वो मेडिटेशन कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता। मेडिटेशन तो घटित होती है, घटना घटित होती है, ध्यान तो घटता है, समाधि घटित होती है, धारणा इसमें परिपक्व अवस्था में होनी चाहिए। जब धारणा सभी घनीभूत हो जाती है, जैसे मान लीजिए बादल उड़ रहे हैं, बादल धारणा की तरह कार्य कर रहे हैं, कि बादल को देखकर कह सकते हैं कि आप बारिश होगी, तो धारणा की तरह बादल हो गए, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो बादल बरसे ही। जैसे ही वो सघनीभूत होंगे, घने होंगे, घने होने पर जब वो बहुत घने हो जाएंगे तो वर्षा के रूप में गिर पड़ेंगे, ये अलग बात है, वो घटना होगी वर्षा की, लेकिन बादल बरसेंगे ये जरूरी नहीं है, उनको घनीभूत होना होगा। तो धारणा, ध्यान नाम की जो व्यवस्था होती है वो धारणा पर व्यवस्थित होती है। धारणा जब बन जाती है, अनवरत तेल की धारवत धारणा जब बन जाती है, वो ध्यान में घटित हो जाती है, ध्यान बन जाता है, और वो ही अनवरत सतत अभ्यास में बना रहे, सतत अभ्यास बना रहे, तो वो ही ध्यान समाधि में प्रवेश कर जाता है। ये इनकी व्याख्या है, लेकिन बहुत गलत सलत समझाया जाता है। तो मैं यहां बता रहा था आपको कि आप, हम जहां तत्वों के बारे में बताया गया है, व्यक्ति के बारे में, यहां व्यक्ति और जगत दोनों को लिया गया है, व्यक्ति और जगत लेकर के वहां वेदांत में समझाया गया है कि आप भी वही हैं, ईश्वर भी वही है, एक चींटी भी वही है, एक ईश्वर की तुलना चींटी से भी कर सकते हैं, एक बूंद में भी वही है और एक सागर में भी वही है। एक बूंद को ले लो, अगर इसको अगर H2O में तोड़ दोगे तो सागर भी लुप्त हो जाएगा, और बूंद को तोड़ दोगे तो बूंद भी लुप्त हो जाएगी। बूंद और समुद्र से कहीं भी पानी ले लो, पृथ्वी पे कहीं भी पानी ले लो, सिर्फ H2O से ही मिलकर बना है।
कोई अंतर नहीं है। तो जीवन यहाँ पर जो कंपेयर तुलनात्मक अध्ययन कराया गया है वेदांत में, इसलिए अद्वैत वेदांत सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया। अद्वैत का मतलब होता है जहां दो ना रहे, एक ही रह जाए। यदि दो रहेंगे तो उत्पात उत्पन्न हो जाएगा एक भी, और एक यहां पर अद्वैत का एक और बात है, गलत बोल गया हूं थोड़ा सा मैं यहां। अद्वैत का मतलब जहां दो का भी बाहर चला जाए, दो भी ना रहे, यहां व्यक्ति भी नहीं है, जगत भी नहीं है, केवल ब्रह्म है। ठीक है, यहां पर सांख्य दर्शन में थोड़ा उच्च स्तर की बात कर दी है। यहां पर सारी व्यवस्थाएं दी हैं प्रकृति से, मूल प्रकृति से उत्पन्न होती है, लेकिन उसको एक व्यक्ति में समेट करके सारी व्याख्याएं दी है। इनकी अपनी विचार व्यवस्था अलग है, इसलिए मनुष्य में सारी चीजें पाई जाती हैं। अमृत भी मनुष्य के शरीर में होता है, जहर भी मनुष्य के शरीर में होता है। हम जैसा विचार करते हैं वो वैसे ही तब्दील हो जाता है, शरीर वैसा ही अनुकरण करने लग जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, वैज्ञानिक परीक्षण है, आधुनिक परीक्षण है। एक व्यक्ति था विदेश में जिसको फांसी लगने वाली थी, तो कुछ मनोवैज्ञानिक मन के ऊपर और हार्मोन्स रिलीज के ऊपर और उन हार्मोन से विचार से शरीर में क्या बदलाव होते उनके ऊपर बहुत सालों से, दसियों साल से अध्ययन कर रहे थे। तो उस व्यक्ति को लिया, सरकार से अनुमति मांगी कि ये व्यक्ति तो मरने ही वाला है, तो हमें सौंप दिया जाए, हम इस पर कुछ परीक्षण करना चाहते हैं मृत्यु के। सरकार की व्यवस्था रही, उन्होंने उनको दे दिया। उस व्यक्ति से पूछ लिया गया पहले ही कि तुम फांसी से लटक के मरोगे, जिसमें जीव निकले आती है बाहर, आंखें बाहर निकले आती हैं और तड़फन होती है शरीर में, या एक सांप के, जहरीला सांप जो बस आपको काटेगा और एक पल में ही आप मर जाओगे, किससे मरना पसंद करोगे? उस व्यक्ति ने अपनी मनोभावना, मनोदशा या मन की जो भी इच्छाएं थी वो दर्शाई, बता दी कि मैं सिर्फ, अगर इतना ही सरल है मरना तो मैं सांप से कट के मरना पसंद करूंगा। वैज्ञानिकों को उसका जो विचार था वो मिल गया और वहां जाकर के पेश किया, तो उनको वो व्यक्ति मिल गया। वैज्ञानिकों को ले जाकर के उन्हें एक कोठरी में बंद कर देते हैं, और सेम दिन सेम टाइम जो समय था मृत्यु का, फांसी लगाने का, उसी दिन उस व्यक्ति को आंख पर पट्टी बांध दी जाती है, जैसे फांसी में लगाया जाता है, पूरा ढक दिया जाता है और आंखों को इस तरह से ढक दिया जाता है कि उसको एहसास ना हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ। सांप को दिखा दिया जाता है उसको पहले से, भयंकर सांप, किससे आपको कटाया जाएगा। लेकिन यही थोड़ी सी घटना घटती है, जो मनोवैज्ञानिक थे, जो शारीरिक क्रिया पर कार्य कर रहे थे, उन्होंने उस सांप से ना कटवा करके दो पिनों का इस्तेमाल उसको काटने में किया गया, अर्थात उसके पैर में सांप के दांत की जगह दो पिन चुभाई गई। और यकीन मानिए उस व्यक्ति के शरीर ने मान लिया कि उसके सांप ने उसको काटा और वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया, अर्थात वो डेथ हो गया, मर गया। परीक्षण हुआ, परीक्षण में इससे भी बड़ी बात हुई। ये तो सोचने की बात है कि चलो डर लगा उसको, उसके कारण वो मर गया, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये हुई जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि उसके जो मृत्यु के जो कारण बताया गया था वो भयंकर जहर बताया गया था। उसका जो शरीर था वो भयंकर जहर के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ था। अब जहर कहां से पैदा हो गया, इसी बात को मैं सांख्य कारिका दर्शन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे शरीर जैसा जैसा विचार करते हैं हम, हमारा शरीर वैसा वैसा अनुकरण करने लग जाता है। जब पंच तत्व से मिलकर के बना है सारा शरीर, हम जानते हैं, तो जहर कहीं बाहर थोड़ी है, जहर तो अंदर भी हो सकता है। जहर में भी तत्व वही हो सकते हैं जो शरीर के अंदर होंगे। पांच तत्व से हटकर के कोई भी चीज उस दुनिया में कोई हो तो मुझे बताइए, जब पांच तत्व से हटकर कोई चीज बनी ही नहीं है तो जहर कैसे बन सकता है? जब जहर नहीं बन सकता तो हमारे शरीर के अंदर भी जहर हो सकता है। उसको बस बनाने की प्रक्रिया में, केमिकल रिएक्शन बनाने में विचार काम करते हैं। तो ये दोनों की बात करता है तुलनात्मक अध्ययन। ये जल्दी समझ में आ जाता है अद्वैत वेदांत। सांख्य दर्शन बड़ा मुश्किल से समझ में आता है क्योंकि ये व्यक्ति विशेष को लेकर के चलता है। हो सकता है थोड़ी सी देर हो जाए लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और बताने का प्रयास करूंगा। इसका उदाहरण हम मीराबाई से भी ले सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मीराबाई जब बुद्धत्व को प्राप्त होती, देखिए स्त्रियां भी बुद्धत्व को प्राप्त होती हैं, आप केवल पुरुष को ही मत लीजिए। मीराबाई है, मल्लीनाथ है, अपाला है, गोशा है, गार्गी है, लोपामुद्रा है, ऐसी ऋषिकाएं हैं हमारे वेदों में जो सारी की सारी बुद्धत्व को प्राप्त हो चुकी थी। तो मीराबाई जब
शुद्ध बुद्ध भूल जाती थी, संतों के साथ नाच गान करती थी, तो उनके घर वालों को लगा कि हमारी बदनामी कर रही है, तो उनको जहर का प्याला पिलाया गया। तो ऐसा माना जाता है कि उनने हंस हंस के उस जहर को पी लिया और उनकी मृत्यु भी नहीं हुई, तो उनके शरीर ने स्वीकार नहीं किया, ये माना नहीं कि जहर पिलाया जा रहा है, उनके हार्मोन्स में या सेल्स में वो चीज कृत्रिम प्रक्रियाएं नहीं हुई जो आम आदमी के शरीर में होती हैं। तो उन्होंने वो जहर जो था वो टॉयलेट के सहारे या किसी के सहारे निकल गया। ये हमारी गाय के साथ भी होता है, देसी गाय को किसी भी प्रकार का जहर दिया जाता है तो उसके शरीर में एक कैपेसिटी है, वो कुछ तो शरीर में चला जाता है और कुछ टॉयलेट के सहारे, पेशाब के सहारे, मूत्र के सहारे वो बाहर चला जाता है। इसलिए देसी गाय सबसे ज्यादा पूजनीय मानी जाती है, इसके पीछे के कारण है। बहुत सारी बातें निकल के आती हैं एक साथ, कई चीजें निकल के आती हैं। ऐसे एक उदाहरण और था, एक व्यक्ति था वो अपने भयंकर से भयंकर शहर जहर दे दीजिए और वो पी जाता था, आध घंटे से लेकर के 45 मिनट, 30 से 45 मिनट तक वो अपने शरीर में उसको एब्जॉर्ब कर सकता था, रोक सकता था, लेकिन उसके बाद में उसको भी संदेह होने लगता था। संदेह जब भी मन को पकड़ लेता है तो सेल्स अपने अनुसार कार्य करने लगते हैं। संदेह जब तक नहीं है, विश्वास है तब तक आपका शरीर आपके अनुसार कार्य करता है। इसलिए हमारे देश में, हमारे ग्रंथों में, हमारे धर्म में श्रद्धा को सबसे उच्च स्तर पर रखा गया है, ऐसे ही नहीं रखा गया। श्रद्धावान व्यक्ति की जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत ऊर्जावान हो जाती हैं, और संदेह व्यक्ति, जो संदेहशील व्यक्ति है, उसकी कोशिकाएं अपना रास्ता बंद कर लेती हैं, तो उसको कुछ ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता। तो वो व्यक्ति ऐसा काम करता था, भयंकर से भयंकर उस पर परीक्षण किए गए, बहुत बहुत दूर हमारे भारत में ही परीक्षण किया गया उस पर, लाइब्रेरियन में, लाइब्रेरी शब्द लगा दिया, लेबोरेटरी में बहुत परीक्षण किए गए, और उसके परीक्षण में यह देखा गया कि वो जहर पीने के बाद वो मूत्र के सहारे उस सारे जहर को निकाल देता था। कैसे संभव हुआ? वही चीज तो यहां सांख्य दर्शन में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम इन चीजों को कभी समझ नहीं पाते। सांख्य दर्शन ने क्या किया है, तीन चीजों में विभक्त कर सकते हैं हम चाहें तो। एक तो है प्रमाण, प्रमाणों से जानने का प्रयास किया है कि कौन कौन सी चीज कैसे कैसी है, ये प्रमाण से जाना जा सकता है बहुत दूर रहने के बावजूद भी। तो इन्होंने प्रकृति वगैरह, मूल प्रकृति जितनी भी थी, मूल प्रकृति इनको जाना, इसके बाद इनकी जितनी भी अवयव थे, मूल प्रकृति के बाद महत्व तो है, महत्व के बाद जो भी अहंकार है, पत्थर मात्राएं है, सारी व्यवस्थाएं हैं, वो इन्होंने अनुमान के आधार पर प्रयोग की है, याद रखना अनुमान। पुरुष, ये तीन चीजों में अब तक घुमा है, इसको आत्मा भी बोल लीजिए आप, सही से समझ में आ जाएगा। प्रमाण को पूरा विस्तृत में जाना है हमने, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीन ही प्रमाण माने हैं। मूल प्रकृति में 25 तत्व हैं, 24 तत्व हैं, एक इसको मिलाकर 25 हो जाते हैं। यहां पर योग में 26 हो जाता है, क्योंकि ईश्वर और उसमें प्लस कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है तत्व के रूप में। तत्व से तात्पर्य क्या है, हा? तत्व से तात्पर्य है कि उनके अवयवों को जानना। जब हम किसी चीज के अवयवों को जानते हैं कि वो कैसा कार्य करते हैं, तो उनके कार्य करने की जो विधि है उसके अनुसार कार्य करेंगे, तो हम जल्दी से उस तत्व को प्राप्त करने की प्रक्रिया में लग जाएंगे। जैसे साइकिल के बारे में बताया था, साइकिल को यदि नहीं समझाते कि बैलेंस बनाना है, सिर्फ इसका पैडल रखना है, पहले साधारण बैलेंस बनाइए, फिर पैडल रख लेना, फिर उसके बाद दूसरे पैडल पर रखना, फिर चलाना सीख जाओगे। यदि दो तीन जो मूल बातें ना हो समझाते, तो शायद ही साइकिल चलाना सीख पाते बच्चे, क्योंकि मूल बातें जान गए तो उसके बाद उन्होंने अभ्यास करना शुरू कर दिया। तो ये मूल बातें हैं, अब तक जितनी भी बातें थी वो मूल बातें थी। सांख्य दर्शन में सारी बातें जो बताई गई हैं वो मूल बातें हैं। मूल बातों में भी जब पहुंचे हैं तो यहां पर एक चीज आती है, थोड़ा लिख दो इसको, ध्यान आ जाएगा। महतत्व को हम बुद्धि तत्व भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। इसके बाद अहंकार, उसके बाद तन्मात्राएं और आगे जो भी हैं, आगे बहुत सारी चीजें हैं, ये मुख्य चीज है। ये पांच तन्मात्राएं, प्रकृति, महत्व, अहंकार, इनमें सब में जो सबसे ज्यादा गति करने की प्रक्रिया रखता है, जो सारी चीजों को समझाने की व्यवस्था देता है, वो बुद्धि तत्व है, महत्व है, ठीक है।
हमारा जो मस्तिष्क है वो बुद्धि के अंतर्गत रखा जा सकता है। आज की पद्धति के अनुसार थोड़ा सा बता दूं, इसमें जितना भी व्यवस्था दे रखी है आज, वो इस बुद्धि को एनालिसिस करने के बाद सारी चीजों को कंट्रोल करने की प्रक्रिया है। थोड़ा सा बैक में जाएंगे तो पता चलेगा, आज हो सकता है मेरा वीडियो ऐसे ही चला जाए, लेकिन आप अगर समझ गए इसको तो सांख्य दर्शन में फिर समझ, किसी भी दर्शन में समझने के लिए कुछ बचेगा नहीं। एक होती है स्वतंत्रता, एक होती है परतंत्रता। ठीक है, परतंत्रता को बनाए रखने के लिए पहले युद्ध करना पड़ता था, लोगों को मारना पड़ता था, उनको उनके ऊपर काबू करना पड़ता था और उनको शारीरिक दंड दिया जाता था, तब जाकर के वो परतंत्र होते थे। लेकिन वो भी हमेशा के लिए परतंत्र नहीं होते थे, जैसे उनको मौका मिलता था तो वो स्वतंत्रता के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करते और वो बगावत कर देते थे। इसीलिए राजा महाराजाएं हमेशा युद्ध किया करते थे, याद करना। थोड़ी सी बैग में ले जा रहा हूं कहानी, हमारा जो पिछला इतिहास है वो पूरा युद्ध से भरा हुआ है। उसका कारण परतंत्र और स्वतंत्र, परतंत्र और स्वतंत्र, परतंत्र और स्वतंत्र करने की प्रक्रिया में चला जाता था। कुछ लोग उनको दबाना चाहते थे, शक्तिशाली थे, लेकिन उनको जैसे ही मौका मिलता था जो कमजोर थे वो तुरंत बगावत कर देते थे। उनमें राजा के बेटे भी सम्मिलित हो सकते थे, क्योंकि राजा के बेटे भी राज्य करना चाहते थे। हर व्यक्ति चाहता कि मैं स्वतंत्र रहूं, मैं अपना राज्य स्वयं करूं। इसलिए इतिहास गवाह है, लोगों ने अपने पिता को भी मार दिया है, भाइयों को भी मारा है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा इतिहास पर, क्योंकि इतिहास पर चला गया तो समस्या हो जाएगी, बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा फिर मामला। तो युद्ध हुआ करते थे, वहां बुद्धि को समझा नहीं गया था, लेकिन हमारे इतिहास में हमारे दर्शनों ने बुद्धि को कितने पहले समझ लिया, हजारों वर्ष पहले समझ लिया। स्वतंत्रता परतंत्रता की बातें जब उनके समझ में आ गई उतने साल पहले, लेकिन विज्ञान आज समझ पाया है। इसलिए आज जो परतंत्रता है उसके लिए युद्ध नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति, किसी को परतंत्र नहीं बनाया जा रहा। युद्ध करके किसी को परतंत्र, आप परतंत्र हैं या स्वतंत्र हैं? आप कहेंगे हम स्वतंत्र थे, बिल्कुल गलत। पहले तो पहले कह सकते थे कि मैं स्वतंत्र हूं या परतंत्र हूं, लेकिन आज व्यक्ति इसी को मिथ्या ज्ञान भी कह सकते हैं, विपर के अंतर्गत आएगा, मैं अभी बताऊंगा इसमें। अब बुद्धि की बात चलेंगी, आगे जितनी भी कारिकाएं हैं सारी बुद्धि तत्व चलेंगे, इसलिए बुद्धि को समझा रहा हूं आज। आज हो सकता है इसमें केवल बुद्धि तत्व ही समझाऊं, उसके बाद में उसकी व्याख्याएं पूरी रह जाएंगी, उसमें पूरी गिनती रह जाएंगी कौन कौन सी कितनी कितने भाग हैं। जो हमारा मस्तिष्क है उनके पहले और नाम हुआ करते थे, आज उनके और नाम कर दिए हैं, बस अंतर इतना है। तो हम परतंत्र नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं है, हम परतंत्र हैं, किसी भी प्रकार से स्वतंत्र नहीं है। यदि मुझे गर्मी लगती है तो मैं क्या मांगता हूं? कोका कोला। कहां से आया? मस्तिष्क को पहले लोगों ने जान लिया। जब हम किसी चीज को बार 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 रिपीट करते हैं, 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 तो वो हमारा जो मस्तिष्क है उसमें न्यूरॉन्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो वही बात जब हमारे शरीर में कभी घटित ना घटित होती है, विचार आते हैं, तो हमें उसके साथ वो कनेक्ट हो चुकी होती है पहले से। ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब इतना कहने की जरूरत है, बाद बाकी तो मस्तिष्क अपना काम करेगा। कोका कोला, डर के आगे जीत है, मतलब ड्यू, एड़ा है पर मेड़ा है, ठंडा ठंडा, कूल कूल, नवरत्न तेल। ये क्या है? हमारे अभ्यास का, बार बार रिपीट का। कोई भी चीज जब बार बार रिपीट की जाती है, बार बार रिमाइंडर की जाती है, तो वो हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स पैदा करती है। क्योंकि विचार कोई भी हो, जब वो जाते हैं इंद्रियों के सहारे, तो वो न्यूरॉन्स में बदलाव करते हैं, हमारी जो तंत्रिका तंत्र है उसमें बदलाव करते हैं, और बदलाव करते ही हम उससे कनेक्टेड हो जुड़ जाते हैं। यही बात हमारा ये सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन भी तो करता है, सारे दर्शन यही तो करते हैं कि पहले तो इन तत्वों को जान लो। तो पहले तो बता दिया कि इससे ये होता है इनमें, उसके बाद में उससे कनेक्ट करा देते हैं, ऐड दे करके। आज तो कोरोना का देख लिए क्या हाल कर दिया, जबकि कोरोना कोई बीमारी थोड़ी है। कोरोना इतना भयंकर फैला दिया है कुछ लोगों ने, जो बहुत बड़ी महामारी के रूप में सामने कर दिया है। लेकिन आपको वो बार बार, आज का समय 99% परतंत्रता का समय है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, टीवी से जुड़े हुए हैं, अखबार से जुड़े हुए हैं, वो प्रिंट मीडिया हो गया, और फेसबुक से जुड़े हुए हैं। सारी व्यवस्थाएं जितनी भी हैं, सारी व्यवस्थाएं हम
कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं, रात और दिन उसको देख रहे हैं, रात और दिन देख रहे हैं, तो उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे विश्व में। हमें योग बचाएगा यदि हम सही से जान गए तो। मिथ्या ज्ञान, तो मैंने बताया कि जितना भी मिथ्या ज्ञान है कोरोना के बारे में वो 100% मिथ्या ज्ञान है, 99% मैंने माना है, 1% इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वो साधारण इन्फ्लुएंजा वायरस है, उससे मृत्यु नहीं होती है, बस आपको बीमारी हो सकती है, ये बात ठीक है। ठीक है, तो अब यहां पर जो परतंत्रता की बात आती है, पहले जो युद्ध के माध्यम से परतंत्र बनाया जाता था आज उसकी जरूरत नहीं है, आज आपको परतंत्र बना दिया गया एलोपैथी के नाम पर, अंग्रेजी के नाम पर, जीन्स के नाम पर, ऐसी हजारों व्यवस्थाएं हैं, और शिक्षा पद्धति के नाम पर। आज जो शिक्षा पद्धति है वो 100% झूठ पर आधारित है, उसका जीवन में कोई औचित्य नहीं। आप भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं, अब सब लोग पढ़ेंगे, और जब आप पोस्ट पर पहुंचे कहीं मुझसे बताना कि ये यहां लाभ दे रहा है, कोई कहीं किसी को लाभ नहीं देता, प्रैक्टिकली प्रायोगिक क्षेत्र में ये कहीं भी लागू नहीं होती, ये परतंत्रता है, घोर परतंत्रता, और इसमें परतंत्रता मालूम भी नहीं पड़ती क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर रहे हैं, हम जहां मर्जी जा सकते हैं, जहां मर्जी खा सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं किसी प्रकार से, पहले ये बाउंडेशन थी शारीरिक रूप से, अब शारीरिक रूप से हम स्वतंत्र हैं, लेकिन बुद्धि के रूप से हम परतंत्र हो गए। और दूसरा है धन के रूप में, बैंक जितनी भी हैं वो हमको परतंत्र किए हुए हैं, बैंक से भी बड़ी परतंत्रता शुरू होने वाली है डिजिटल व्यवस्था के अंतर्गत। जब भी डिजिटल कोई चीज हो जाती है तो हमारे कब्जा से बाहर हो जाती है, क्योंकि हम उसमें केवल चला ही तो सकते हैं, मैकेनिक थोड़े है नहीं, जो व्यक्ति इसका स्पेशलिस्ट है वो कभी भी आपको खत्म कर सकता है। तो ये परतंत्रता से हम घोर परतंत्रता की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए हमारे आध्यात्मिक जगत के लोग जो जानते हैं इन चीजों को, इनका विरोध भी करते हैं, लेकिन मजबूरी है, इनसे हट भी नहीं सकते, इनका प्रयोग करती रहिए, लेकिन इसको समझने के द्वारा प्रयोग करिए। मूल प्रकृति हमारी यही कहती है, जब अब ये स्वतंत्र और परतंत्र आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा समझाने के लिए नहीं है, समझाने के लिए इतना है कि आप सुनते सुनते परेशान हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जब सारी चीजें थी तो हमने देखा कि बुद्धि से ही सारी व्यवस्थाएं होती हैं, इसलिए सांख्य दर्शन बुद्धि बुद्धि की बात करता है, लेकिन जैसे ही हम चले जाते हैं योग दर्शन में वो इन चीजों की चर्चा ही नहीं करता, क्योंकि वो प्रैक्टिकल व्यवस्था देता है कि आपको ये कर लेना, बस बात बात करता हूं। तो बुद्धि जब समझ में आ जाती है, बुद्धि की सारी प्रक्रियां समझ में आ जाती हैं, छोटे बच्चा है आपके घर में, सबके घर में होंगे, उसको मोबाइल दिख जाए तो उसको लेने के लिए वो इतना आतुर क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क में इंडिकेट करने की एक रसायन है, वो रसायन उस मोबाइल को देख करके प्रसन्नता का भाव जब उत्पन्न होता है तो वो रसायन रिलीज होता है, इसीलिए जिस व्यक्ति को जिस चीज से प्रसन्नता मिलती है वो उसको आसानी से कर लेता है, समझना इस बात को, जिस व्यक्ति को जिस चीज से प्रसन्नता मिलती है वो उस चीज को आसानी से कर लेता है। बौद्धिक शारीरिक ये कार होते हैं, मनुष्य को शरीर से किए जाने वाले कार्य सरल लगते हैं और बुद्धि से किए जाने वाले कार्य कठिन लगते हैं, इसलिए जो शरीर से कार्य होते हैं उनके लिए लोग करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, बहुत जल्दी करने शुरू कर देते हैं, जिसमें बौद्धिक क्रिया सम्मिलित ना होती हो, इसलिए जो बहुत बड़ा आंकड़ा है, प्रतिशत वही चला जाएगा 90 पे, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है वो शारीरिक श्रम का बन गया, बहुत बड़ा शारीरिक श्रम का बन गया। हम लोग एजुकेटेड हुए, शिक्षित हुए, शिक्षा को ग्रहण किया, लेकिन शिक्षा को ग्रहण करने के पीछे भी शारीरिक श्रम ही सम्मिलित हो गया। जब हम शिक्षा ग्रहण कर भी लेते हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं होता, जाकर के कहीं मजदूरी बन जाते हैं और बुद्धि का इस्तेमाल कहीं होता ही नहीं, जितना बता दिया उतना ही कार्य करना है बस।
जब भी आपको ऊब महसूस होती है, जब भी आपको डर लगता है, जब भी आपको किसी से भागने का मन करता है, तो समझना वो बौद्धिक क्रिया शुरू हो गई। इसलिए दुनिया में अपराध शुरू हुए, हर व्यक्ति गलत कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है, अच्छे कार्य करने के लिए तत्पर नहीं हो पाता। कारण है, गलत कार्य ज्यादातर शरीर से शुरू होते हैं, उनका माध्यम बुद्धि से होकर के शरीर में होकर के गुजरता है, लेकिन अच्छे कार्य शरीर से होकर के बुद्धि तत्व की तरफ चलते हैं। एक तरह से मान के चलिए, ये पहाड़ बने हुए हैं ऊपर और ये नदी निकल रही है, तो जो पानी है वो पानी नीचे की ओर बह जाएगा आराम से, उसको किसी की चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि उसको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, तो ऊपर चढ़ाने के लिए उसको दो ही तरीके, एक ही तरीका है, दूसरा तरीका मशीन से भी हो सकता है कि मशीन से पाइप लगा करके यहाँ कोई मशीन लगा दो और ऊपर पहुंचा दो पानी, लेकिन ये भी तरीका बड़ा कठिन पड़ता है और बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन दूसरा तरीका है जो बाष्प के द्वारा ऊपर चला जाता है, यही कारण है कि समुद्र में से बाष्प बनती है और आकाश में चली जाती है, वो बर्फ के रूप में या पानी के रूप में बरस जाती है। तो यदि आपको बौद्धिक क्षेत्र की तरफ चलना है, तो तपस्या करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा, बाष्प बनाना पड़ेगा आपकी एनर्जी को, ऊर्जा को, जो आपके अंदर पानी तत्व है उसको बाष्प के रूप में बदलना पड़ेगा और वो ऊपर की ओर आपको धकेलेगा। इसलिए बौद्धिक और शारीरिक दो चीजें हैं, दुनिया में श्रम करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जैसे उनको बौद्धिक क्षमता की तरफ ढकेलते हैं तो वो भागने लग जाते हैं। इसलिए जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जिनको अध्ययन करना पड़ता है, कुछ ही प्रतिशत ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई अच्छी लगती है, अन्यथा की दृष्टि में सब पढ़ाई से भागते हैं, क्योंकि वहां शरीर मेहनत नहीं करता, वहां क्या मेहनत करता है, मस्तिष्क मेहनत करता है। यदि शरीर और मस्तिष्क को दोनों को मिला दिया जाए तो वो चीजें सरल हो जाती हैं, एक्टिविटी के द्वारा किसी चीज को सिखाना, वो और उसमें उसकी रुचि हो तो और जल्दी सीखता है। रुचि और कुछ नहीं है, जिसको करने में आपको आनंद मिलने लग जाए वो चीज सरल हो जाती है, जिसको करने में आपको आनंद ना मिले वो चीज कठिन हो जाती है। यही कठिन और सरल की परिभाषा है। लड़कियों को गणित ज्यादातर कठिन लगता है, प्रतिशत आंकड़ा 70-75% हो सकता है इसमें, जितनी भी लड़कियां हैं उनको मैथ कठिन लगता है। इसका कारण ये नहीं है कि वो मैथ में उनको बुद्धि कम होती है, बुद्धि पुरुष की अपेक्षा ज्यादा होती है, लेकिन वो बौद्धिक कार्य करने से सदियों से उनको रोका गया है। अब सदियों से रोका गया है क्योंकि घरेलू कार्य में ही जहां बुद्धि का प्रयोग नहीं होता, उसी कार्य में उलझाए रखा है पूरी पृथ्वी पर, तो उनकी बुद्धि इस चीज को कर कहती नहीं कि उस कार्य को कर, इसलिए वो उस क्षेत्र में कमजोर पड़ जाती है। अब बदलाव आ गया है, अब स्त्रियां पुरुषों से आगे निकल गई हर क्षेत्र में, क्योंकि हम जानते हैं प्राकृतिक रूप से बौद्धिक क्षमता में बहुत ज्यादा है। तो बौद्धिक क्षमता बनाए रखने के लिए योग का एक माध्यम अपनाया गया। तो बुद्धि तत्व में अब साइंस की दृष्टि से सोच रहा हूं, मैं आपको पहले एक वीडियो और बनाऊं, उसमें बुद्धि के जितने भी हिस्से हैं, पार्ट हैं, उनको आपको समझाने का प्रयास करूंगी, कौन सा हिस्सा कैसे कार्य करता है, जिससे आपको ध्यान में या बौद्धिक क्षमता बढ़ाने में कार्य कर सके ये चीजें। क्योंकि बुद्धि को यदि बढ़ा लिया आपने, अब बुद्धि बढ़ भी जाती है, यदि बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी तो सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी और बहुत से जल्दी सीख जाने की सीखने की प्रक्रिया लग जाएगी। बौद्धिक क्षमता सब में लगभग बराबर होती है, एकाग्रता की भावना जिसमें ज्यादा बढ़ जाती है वो आगे बढ़ जाता है। एक कमेंट आया था कि आप इतने सारे श्लोक कैसे याद कर लेते हैं और उनको लिख करके समझा देते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक जितनी वीडियो बनाई है, पहले उनको कंठस्थ किया है, उसके बाद मैंने आपको समझाया है। आज भी 3 कार्यक्रम समझाने वाला था, लेकिन अब समय मुझे नहीं लग रहा कि बचा, तो उनको समझने के लिए मैं रटता नहीं उन चीजों को, थोड़ा सा समझता हूं, फिर एक दो बार उसको लिखने का प्रयास करता हूं, क्योंकि लिखने में मन और शरीर दोनों कार्य करते हैं, मनो शारीरिक ही बना देता हूं उनको। एक दो बार लिखने के बाद में फिर वो दिमाग में बैठ जाती है, उसके बाद एक आध दो गलती होती है, संभावना रहती है गलती की, चीजें शुरू हो जाती है। इसी तरह से जीवन में अभ्यास करते 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 एक समय ऐसा आता है कि आप उस चीज में पारंगत होता है हो जाते हैं। भगवान कोई चीज थोड़ी है, भगवान कोई वस्तु थोड़ी है, भगवान आपके मस्तिष्क की, अरे कहां जा गया,
मस्तिष्क की जो है वो व्यवस्था है। आपकी व्यवस्था राक्षसी प्रवृत्ति भी हो सकती है, आपकी भगवत्ता भी हो सकती है। ये मस्तिष्क का एक स्थान है, मस्तिष्क यानी कि आपकी जो न्यूरॉन्स हैं उनकी एक अवस्था है, स्वर्ग की भी, नरक की भी, ईश्वर की भी, राक्षस की भी, देवत्व की भी, मनुष्य की भी, जानवर की भी, सारी अवस्था आपके मस्तिष्क में है। इसलिए सारे व्यवस्था को तत्व को समझाते हुए इन जो बुद्धि जो सांख्यकार का है वो बुद्धि पे जाकर कटक गई। सारी व्यवस्थाएं बताने के बाद बुद्धि को फिर उन्होंने बहुत विस्तृत से बताया है, बुद्धि की फिर सर्ग सर्ग बताया है कि चार प्रकार के सर्ग सर्ग होते हैं, सर्ग मतलब सृष्टि, बुद्धि की सृष्टि बताई इन्होंने। इन्होंने विपर है, अशक्ति है, तुष्टि है, सिद्धि है, ये चार भाग में बांटा है। फिर विपर को भी बांटा है, विपर के भाग बताए हैं, पंच भाग विपर या इस तरह से बोला है, कार्यक्रम में बताऊंगा मैं अगली में, पांच भाग विपर के बताए हैं। फिर अशक्ति का अष्टविंशति भागा, तुष्टि नवधा, अष्टधा सिद्धि, आठ सिद्धियां बताई हैं, तुष्टि नौ प्रकार की बताई, फिर उनके भी भाग बताए हैं। विपर जो पांच प्रकार की बताई है, अस्मिता, राग, द्वेष, अज्ञान, अस्मिता, राग, द्वेष, ये इसमें बता दी है। और अभिनिवेश ये पांच होती हैं, इन्हीं को तम तमस बोला गया है, तमस मोह माह मोह तामिस्त्र अंध तामिस्त्र पांच भागों में बांटा गया है। यानी कि योग में तो इनको, योग दर्शन में तो अस्मिता राग द्वेष अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये बताए हैं। ये बताए गए हैं योग में, लेकिन तमस मोह महामोह तामिस्त्र अंधतामिस्त्र ये नाम दिए सांग दर्शन में। तो ये बुद्धि के ही व्यवस्थाएं हैं सारी, फिर इनके भी भाव होते चले जाते हैं अष्टविंशति, फिर भाव चले जाएंगे उसके अशक्ति के, तुष्टि के बन जाएंगे और उसके दिव्य बन जाएंगे। ये सब मुझे समझाना था आज, बताने के लिए बहुत कुछ था आज, इतना ही रहने देते, हो सकता है आपको कुछ ना कुछ तो लाभ देगा। दर्शनों के बारे में समझाना था कि दर्शनों में कुछ नहीं है, केवल और केवल पहले इन तत्वों को सारों को समझाया गया है, वो मैंने शॉर्ट में बहुत समझाने का प्रयास किया कि ये चीज होती है। बाद में बताया कि बुद्धि तत्व पर ध्यान करेंगे, अभ्यास करेंगे, इसलिए अभ्यास और वैराग्य दो चीज बताई है। बाहरी संसार से क्योंकि डिस्कनेक्ट होना है, अपने शरीर से कनेक्टेड होना है, तो वैराग्य शब्द लगाएं ना लगाएं, अभ्यास जरूर लगाएं। अभ्यास के साथ बाहरी शब्द से विराग करें, अंदर शब्द में राग चले जाएं, अंदर जो शक्ति है उसकी तरफ राग में चले जाएं। जैसे मैंने कल्पना वगैरह बताया था कि बाहर करेंगे तो आपको सांसारिक उत्थान देगा, अंदर यही कल्पना करेंगे तो आपको भी अंदर की उत्थान में सहायक सिद्ध होगा। इसी के साथ मैं आज वीडियो इतना ही बना रहा हूं, और अगली वीडियो में सारी बुद्धि की सारी व्यवस्थाएं दूंगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।